Hi guys, welcome back to the vlog. And today I'm going to Haridwar. And Purav अभी cab book कर रहा है station तक के लिए. And we are all set. Okay, so guys, I'm going to Haridwar to attend the Kumbh Mahakumbh Mela जैसा एक होता है. It is like a festival or something. Where many people gather and worship river Ganga. वही attend करने में हरिद्वार जा रही हूँ and it is a very like short trip. ज़्यादा दिन की trip है नहीं ये. फटाफट जाएंगे और फटाफट आ भी जाएंगे. This is the Ahmedabad railway station और मैं बहुत time के बाद Ahmedabad railway station आ रही हूँ. एंड मैं देख रही हूँ यहाँ पे कि बिल्कुल भी भीड़ नहीं है. एवरीबडी इज टेकिंग केयर ऑफ कोविड रूल्स एंड पुलिस इज ऑल्सो पेट्रोलिंग. मीन्स लाइक जिनका ट्रेन है और जिनका ट्रेन का टाइम है वही लोग खड़े हैं. कोई भी टैक्सीज एक्स्ट्रा नहीं खड़ी है एंड सब लोग बहुत टेक केयर कर रहे हैं. एवरीबडी इज यूजिंग सैनिटाइजर्स और चेकिंग भी बहुत हो रही है यहाँ पर. बिल्कुल भीड़ नहीं है यहाँ पर स्टेशन पे जितना हम सोचते थे. मेरे पीछे आप प्लेटफॉर्म देख रहे हैं. आप देख सकते हैं कि प्लेटफॉर्म भी बहुत खाली है. जिन लोग का ट्रेन का टाइम है वही लोग प्लेटफॉर्म पे आए हैं. बाकी तो और कोई भी नहीं दिखेगा आपको प्लेटफॉर्म पर. एंड मैं आपको जैसे कि पहले बोल रही थी कि मुझे ट्रेन में बैठे हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है. लाइक एक साल तो कोविड का था और उससे पहले भी मीन्स बहुत टाइम हो गया कि मैं ट्रेन में भी नहीं बैठी हूँ. और ट्रेन में भी सब लोग जितने पैसेंजर्स हैं एवरीबडी इज टेकिंग केयर. सब लोग सैनिटाइजर्स यूज़ कर रहे हैं. एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं. दिस इज़ द नेक्स्ट डे एंड गुड मॉर्निंग गाइस. हम लोग यहाँ पर हमारा ट्रेन एक्चुअली बहुत ज़्यादा ऑन टाइम से भी ज़्यादा बिफोर टाइम चल रहा था. So we had a stoppage on this station, Tapli station. We have a stoppage of 1 hour और हम सब लोग इधर नीचे उतर गए हैं. And now we are like roaming all around this station. ये बहुत ही एक छोटा सा station है Tapli station. यहाँ पर means सब लोग freshen up होने के लिए उतर गए हैं और morning भी है तो सबको बहुत मज़ा भी आ रहा है. ये देखिए ऑलमोस्ट लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द ट्रेन आर ऑन द स्टेशन. एंड अभी मैं स्टेशन की एक एंड से दूसरी एंड जा रही हूँ. मैंने स्टेशन क्या प्लेटफॉर्म तो पूरा घूम लिया. तो अभी मैं निकास एग्जिट से स्टेशन के एग्जिट से बाहर थोड़ा रोड भी घूम के आ रही हूँ और देखती हूँ नज़ारा कि कैसे लगता है. ये टपरी शहर बहुत सारे जने बाहर आ गए हैं स्टेशन के भी. इधर तो कोई मीन्स खास दुकानें तो दिखाई नहीं आ रही है और ये बहुत छोटा शहर भी लग रहा है. लेकिन यहाँ पे अच्छी खासी ठंडक है. अहमदाबाद में तो बहुत ज़्यादा गर्मी है लेकिन यहाँ पर बहुत ठंडा ठंडा और अच्छा मौसम है. यहाँ का एंट्रेंस भी आप देख सकते हैं कि बहुत ही छोटा है. ये एक बस छोटा सा पान का गल्ला दिखाई आ रहा है मुझे और तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर. और सीधा बाहर एक रोड है. Finally guys, I have reached Haridwar. Haridwar में भी मौसम बहुत अच्छा है. बहुत ही ठंडा और अच्छा लग रहा है. बिल्कुल भी गर्मी नहीं है यहाँ पर. एंड ये हरिद्वार का रेलवे स्टेशन है. ये भी बहुत क्लीन है और इधर भी भीड़ बहुत ही कम है. वेरी लिमिटेड पीपल आर हियर. And now I am going towards my staying place in Haridwar and I will see you guys in
few minutes. And I am back and I have changed my clothes and अब हम देखते हैं कि अभी हम कहाँ जा रहे हैं. We have planned like कि हम लोग अभी ऋषिकेश चले जाएं आज का दिन एंड वहाँ पर जाके थोड़ा घूमें. और ये जो मेरी गली दिख रही है आपको पीछे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं. छोटी छोटी दुकानें हैं यहाँ पर, एक छोटी सी गली है, आप देख सकते हैं पीछे बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं. और अभी हम लोग ऋषिकेश जा रहे हैं. यहाँ पे एक अलग तरीके के टेम्पोज और ई रिक्शा चलती है. Wherever you have to go in Haridwar from one place to another, यहाँ आपको हरिद्वार से ऋषिकेश भी जाना है तो फिर यहाँ पे ये रिक्शा चलती है एक, विच इज़ अ वेरी गुड फैसिलिटीज फॉर टूरिस्ट. We have reached Rishikesh and Haridwar to Rishikesh was journey of 1 hour and I guess 45 minutes 1 hour jitna journey hai bas khali. And now we are finding a good restaurant to have breakfast kyunki maine savere se breakfast bhi nahi kara hai, kuch khaya bhi nahi hai and abhi shayad lunch time ho chuka hai. We are going to eat something now क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही है and then we will decide कि अभी हम लोग ऋषिकेश में क्या करते हैं, कहाँ घूमते हैं. ओके सो गाइज, मैंने लंच कर लिया है, मैंने राइस करा है लंच. यहाँ पे एक अलग तरीके के राइस हैं जो कि मैंने लंच में लिए, इनका पता नहीं ऋषिकेश में ही मिलता है ऐसे राइस. दाल राइस ही था, आई डोंट नो पता नहीं क्या था, बट इट वॉज गुड. एंड वी आर नाउ गोइंग फॉर राफ्टिंग. ये जो मेरे पीछे आपको जगह दिख रही है, हम लोग राफ्टिंग करके इस वाली जगह पर आएंगे. यहाँ से राफ्टिंग स्टार्ट नहीं करेंगे, इस वाली जगह पर राफ्टिंग करके आएंगे एंड वी आर गोइंग फॉर राफ्टिंग. ये है हमारी राफ्ट बोट जो कि हम लोग मीन्स एक वो राफ्टिंग वाली जगह दिखाई थी, वहाँ से हम लोग एक अलग जगह पर आए हैं बाय कार और यहाँ से हम लोग अपनी राफ्टिंग स्टार्ट करेंगे. और हमारी बोट भी हम लोग हमारे साथ ऊपर कार में ही लेके आए थे. तो अभी हम लोग राफ्टिंग के लिए एकदम फुल रेडी हो चुके हैं. मम्मी ये देखो, मम्मी भी एकदम फुल रेडी. मम्मी लीड करोगे ना आप? हाँ बड़ी. ये हम हैं, ये हमारी बोट है और ये हमारी पानी हो रही है.
ओके सो अभी हमारी ये राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। हमने अराउंड 24 किलोमीटर्स तक की राफ्टिंग करी थी, जिसको करने में हमें 2 से 2.5 आवर्स लगे और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और शाम हो चुकी है, अभी हम लोग को राफ्टिंग करते समय एक दो बार बीच में उतारा भी था और हम लोग नदी में भी गए थे, बहुत मज़ा आया। पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था, मीन्स लाइक इट वॉज एक्सट्रीम कोल्ड। आप जैसे ही अंदर कूदोगे आपके हाथ पैर एकदम ठंडे हो जाएंगे, रेड हो जाएंगे और इतना ज़्यादा ठंड लगेगा आपको। और अभी हम लोग ने चेंज कर लिया है तो भी हमें बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। एंड राफ्टिंग करते समय इतनी ज़्यादा एनर्जी यूज़ हो चुकी है हमारी कि अभी हम लोग को बहुत ज़्यादा भूख लगी है। एंड अभी हम लोग कहीं जाएंगे और कुछ खाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा वाली भूख लग चुकी है और शाम भी हो चुकी है। देखो आप पीछे देख सकते हैं, लाइट्स भी ऑन हो गई है यहाँ पर। वैसे ये ऋषिकेश का घाट है जहाँ पे हमने राफ्टिंग करके हमारी राफ्टिंग एंड करी थी। एंड अभी हम लोग कहीं खाने जा रहे हैं, देखते हैं क्या मिलता है यहाँ पे अच्छा खाने का। वैसे यहाँ पे सब लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे एक आगे बर्गर मिलता है जो कि बहुत अच्छा होता है, तो लेट्स सी के यहाँ बर्गर कैसा मिलता है। और अभी शाम हो चुकी है, हमें फटाफट हरिद्वार भी जाना है वापस क्योंकि हम लोग हरिद्वार में स्टे कर रहे हैं। और ऋषिकेश बहुत ही अच्छा था घूमने में, हम लोग एक दिन भी नहीं रहे ऋषिकेश में। वी वर हियर फॉर ओनली फ्यू आवर्स बट इट वॉज़ अ गुड एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं पहले भी ऋषिकेश आ चुकी हूँ और अभी भी मैं ऋषिकेश आई हूँ तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है ऋषिकेश में। इट हैज़ बिकम अ न्यू एंड बेटर प्लेस, बहुत ज़्यादा न्यू एक्टिविटीज़ आ चुकी है और टूरिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा घूमने की नई चीज़ें हो गई हैं। सो दिस इज़ द बर्गर वी हैड, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बर्गर था ये एंड उसको खाने में भी बहुत मज़ा आया। पहले हमने एक ऑर्डर करा था, देन वी ऑर्डर्ड 2 मोर एंड फाइनली नाउ वी आर हेडिंग बैक टूवर्ड्स दी हरिद्वार। आज का दिन बहुत ज़्यादा अच्छा रहा और बहुत ज़्यादा थक भी गए हम लोग और ट्रैफिक भी है ऑन द वे टू दी हरिद्वार। सो आई विल स्लीप इन बिटवीन।